सालासर बालाजी धाम में पहली बार सार्वजनिक शिशु पुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर शुक्रवार को कस्बे में कलश यात्रा निकाली गई, जो बालाजी मंदिर सहित मुख्य स्थानों से होते हुए संस्कृत स्कूल के सामने स्थित पुरातन शिव मंदिर पहुंची, जहां आरती के बाद व्यास पीठ पर कथावाचक मनोज कुमार नागौरी ने पहले दिन की कथा का वाचन करते हुए उन्होंने कहा कि मन के द्वारा कर्म करने से कार्य सफल होता है, इसलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना मन से करें। आयोजन समिति के कैलाश पोद्दार ने बताया कि सालासर बालाजी धाम में पहली बार शिव पुराण कथा आयोजित हो रही है। कथा के दौरान उषा देवी, बिहारी लाल अग्रवाल, भगीरथ पम्मल पोद्दार, कमल अग्रवाल, सुशील पोद्दार, कमल पोद्दार, नरेश अग्रवाल, रमेश तोदी, सुरेश पोद्दार, महेश पोद्दार, राम अवतार प्रजापत, बोलूराम प्रजापत, ओम प्रकाश राव, रामजीलाल पुजारी, यशोदानंद पुजारी, जितेंद्र पुजारी, विजय पुजारी, अप्पू पुजारी सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। सालासर बालाजी के धाम में पहली बार शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। नौ दिवसीय आज के दिन 9 तारीख से शुरुआत हुई है और 17 तारीख को पूर्ण होगी और 18 तारीख को हवन और पूर्ण आवृत्ति होगी, जिसकी कलश यात्रा शिव जी के मंदिर से स्टार्ट होकर के बालाजी के मंदिर होते हुए वहाँ से कलश उठा करके और शिव मंदिर में पहुँचे हैं। और आज की कथा का शुभारंभ अब होने वाला है और शंकर भगवान सालासर के ऊपर में असीम कृपा करी है कि आज प्रथम बार सालासर के अंदर शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। हम बालाजी महाराज शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे 9 दिवस की जो कथा है उसको बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण करें। बोलिए बालाजी महाराज की जय।